जीपी सिंह को बहाल कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजदो सहित कई ऐसे अन्य मामले दर्ज हैं। अब सरकार को आदेश दिया गया है, जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज है राजद्रोह सहित कई अन्य मामले, इसमें बहाल किया गया है। आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है, कैट ने जीपी सिंह को बहाल कर दिया है। इस वक्त की अहम खबर सामने आई, जहां बड़ा आदेश सरकार को दिया गया। तो बड़ी राहत मिली है जीपी सिंह के मामले में, सबसे हाई प्रोफाइल मामला था ये छत्तीसगढ़ का, और अब जीपी सिंह के खिलाफ जिस तरह से राजदोष सहित कई अन्य मामले दर्ज हैं, तो बड़ी राहत। मनोज नायक, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बड़ी राहत मनोज कह सकते हैं इसे सामने आई है? जी निश्चित रूप से आईपीएस जीपी सिंह को यह बड़ी राहत है, क्योंकि जब वे एडीजी थे तो उनके निवास पर जो है 1 जुलाई 2021 को जो है एसीबी ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की थी और यहाँ से कुछ दस्तावेज भी बरामद किए थे। इस दस्तावेज को आपत्तिजनक बताते हैं, उनके खिलाफ जो है राजद्रोह के मामले भी दर्ज हुए थे, आए थे अधिक संपत्ति के मामले भी दर्ज हुए थे, इसके अलावा कई सारे मामले जो है उनके ऊपर अलग से दर्ज हुए थे, जिसमें ब्लैकमेलिंग की धाराओं में भी अलग अलग शहरों में ये केस दर्ज किए गए थे। और इसके खिलाफ जो है जीपी सिंह लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने कैट में भी याचिका लगाई थी और कैट ने उनकी याचिका पर आज बड़ी राहत दे दी है। जीपी सिंह को 4 सप्ताह के भीतर बहाल करने के आदेश दिए और उनके जितने भी मामले हैं उसे निराकृत करने के आदेश भी दिए। आपको बताना चाहूंगा कि जीपी सिंह काफी जो है काबिल अफसर के रूप में गिने जाते रहे और उनके खिलाफ जब इस प्रकार के मामले हुए तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक अनुशंसा कर यह प्रस्ताव भेजा था कि उन्हें तत्काल जो है बर्खास्त कर दिया जाए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाए। और इसके बाद जो है राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र ने अपनी मुहर लगा दी थी, तब से जो है जीपी सिंह कहीं ना कहीं बैक फुट पर चल रहे थे और अब जो है आज उन्हें एक बड़ी राहत कह सकते हैं मनोज, क्योंकि 2018 से 2022 के बीच जितने भी फर्जी आरोप उन पर लगे हुए थे।